नमस्कार, आप सभी का स्वागत इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। लखनऊ से बड़ी खबर है, अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं, काम में तेजी और पारदर्शिता लानी होगी। सीएम ने अफसरों के साथ एजेंडा साझा किया है, जनता का हमें ख्याल रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता का हमें ख्याल रखना है, जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा सीएम करेंगे, किसी काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जनता की सेवा और बेहतर तरीके से करनी है, यानी पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से करनी है। बीजेपी पर विश्वास जनता ने जताया। दोबारा सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा अफसरों से कि हमें जनता का ख्याल रखना है और जनता की सेवा करनी है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले ही बैठक में संदेश दे दिया है कि लापरवाही नहीं चलेगी, रिपीट हुई हमारी सरकार, अब हम पहले से बेहतर कार्य करेंगे और जनता का ख्याल सबको रखना है। एक्शन में सीएम योगी, पहले कैबिनेट की बैठक 10 बजे, उसके बाद अफसरों के साथ ये बैठक, आला अफसरों के साथ बैठक की और साफ संदेश दिया है कि आखिर क्या है एजेंडा, सबका ख्याल, विकास प्रदेश का, इसी बात का जिक्र उन्होंने अधिकारियों की बैठक में किया। रुकते हैं अगली खबर का। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का शिवपाल को लेकर बयान, आज की बैठक में सिर्फ सपा विधायकों को बुलाया गया था, यानी सिर्फ सपा विधायकों को बुलावा आया था। 28 मार्च को सहयोगी दलों की बैठक होगी, क्योंकि शिवपाल को बुलाया नहीं गया तो अब बयान का इंतजार था। बयान में यह कह दिया क्योंकि वो प्रसपा से हैं, सपा से नहीं है, सहयोगी हैं वो सपा के। 28 मार्च को जब बैठक होगी तब बुलाया जाएगा, लेकिन आज तो सिर्फ और सिर्फ सपा के विधायकों की बैठक थी। शिवपाल समेत सभी सहयोगी दलों को 28 तारीख को बुलावा आएगा। लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि विधायक दल की बैठक हुई लेकिन शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया। शिवपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दे दी इसको लेकर और अब नरेश उत्तम पटेल ने शिवपाल को लेकर बयान दिया है। दल जो है, दल ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने अपने समाजवादी पार्टी के मानी सदस्यों का वर्जन लिया है, उनका समर्थन लिया है, उनके विचार लिए हैं और वो लेकर के समाजवादी पार्टी का आज विधानमंडल दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का चयन किया गया है और विधायक दल का भी नेता माननीय अखिलेश यादव जी को चुना गया है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है और विधानमंडल दल के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चुनाव हुआ है और सहयोगी दल के माननीय विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है। वो हमारे सभी सहयोगी दल के नेता माननीय विधायक 28 तारीख को उपस्थित होंगे और उस दिन की कार्रवाई भी आपके सामने हम रखेंगे। यादव ने कहा कि मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया, मैं 2 दिन से बैठक के लिए रुका हुआ था, मैं अब अपने क्षेत्र जसवंत नगर जा रहा हूं, कोई नाराजगी नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो जिम्मेदारी निभाऊंगा, नेताजी ने मेहनत करने को कहा है, अब जनता के बीच रहूंगा। तो अब सवाल यह भी उठता है कि क्या 28 मार्च को सहयोगियों की बैठक में शिवपाल शामिल होंगे या नहीं। लग रहा है मैं नाराज हूँ, मैं तो नहीं नाराज हूँ, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा और फिर आगे समय जो भी है सब बातें होती रहेंगी, मिलते रहेंगे आप लोगों से, बीच बीच में मिलते रहेंगे। अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है, उनको क्या अच्छी भूमिका, इस बारे में मुझे कुछ नहीं। और अब रुकते हैं अगली खबर का। एक दिवसीय गुजरात दौरे पर आए अमित शाह गांधीनगर के कलोल पहुंचे, वहीं पर कलोल के पास के गांव में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात की बीजेपी सरकार जनता के विकास के लिए दिए गए वचन को निभा रही है। प्रधानमंत्री इसी चिंता में लगे हैं कि वो शनि रवि के दिन भी छुट्टी नहीं लेते।
तो एक दिवसीय गुजरात दौरे पर अमित शाह गांधीनगर के कलोल पहुंचे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि गुजरात की बीजेपी सरकार जनता के विकास के लिए जो वचन दिया उसको निभाने में लगी है। और अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में बजट पेश होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। ये बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही इनोवेटिव बजट है, और इसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यही आज लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले गए, हर घर के अंदर तकलीफ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो 20 लाख जॉब्स का ये जो बजट है, इसमें बताया गया कि दिल्ली में 1,68,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स लेने के लिए सक्षम है। आबादी 1,68,00,000 नहीं है, आबादी तो 2 करोड़ के ऊपर है, लेकिन उसमें बच्चे हैं, ये 1,68,00,000 लोग टोटल हैं हु आर फिट टू टेक अप जॉब्स। उन 1,68,00,000 लोगों में से केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जॉब्स हैं दिल्ली के अंदर, बाकियों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो ये 33% की जो संख्या है, इसे हमें बढ़ा के 45% तक 5 साल में ले जाना है। इसे 12% हमें इंक्रीज़ करना है। 12% इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आज 56,00,000 लोगों के पास जॉब्स हैं, इसे 76,00,000 तक ले जाना है। तो 20,00,000 नए जॉब्स हम लोगों को क्रिएट करने हैं, और ये कोई एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, खोखला वादा नहीं है। आज जितने डिटेल में इस बजट के अंदर पूरी रूपरेखा समझाई गई है, जॉब्स कहाँ से आएंगे, इतनी महीन एक्सरसाइज, माइक्रो एक्सरसाइज, डिटेल्ड एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कभी इस तरह की हुई है। जो जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए रिटेल सेक्टर में, इन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी, तो ये 8 सेक्टर्स हैं, 8 क्षेत्र हैं जहाँ पे नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। और हरेक की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है, हरेक की बहुत डिटेल्ड स्कीम्स बनाई गई हैं। दिल्ली की 5 मार्केट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि दिल्ली की फेमस मार्केट्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। इन मार्केट्स को पूरा रिवैम्प किया जाएगा, उनको रिनोवेट किया जाएगा, और वहाँ पे उम्मीद है कि पूरे रिवैम्प और रिनोवेशन, और रिनोवेशन के बाद उन मार्केट्स के अंदर बड़े स्तर के ऊपर बिजनेस बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल लगाया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल से उम्मीद है कि पूरे देश से और दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट्स दिल्ली आएंगे, जिससे दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी। और हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होगा, लंबा फेस्टिवल होगा, जिससे दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी और दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर जॉब्स क्रिएट होंगे। होलसेल दिल्ली जो है, हमेशा से देश का एक तरह से होलसेल मार्केट रहा है, पर किन्हीं कारणवश उसकी वो जो होलसेल का जो नेचर था, उसका जो कैरेक्टर था, वो ख़त्म हो गया। इसको वापस रिवाइव किया जाएगा, दिल्ली को वापस होलसेल मार्केट बनाया जाएगा, और अलग से दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दिल्ली बाज़ार पोर्टल बना रहे हैं हम लोग, मैंने पिछले साल ऐलान किया था दिल्ली बाज़ार पोर्टल, जिसमें दिल्ली के सारी दुकानें, दिल्ली के सारे मार्केट्स एक पोर्टल पे लाए जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर कुछ भी माल बिकता है, छोटी दुकान पे, बड़ी दुकान पे, कहीं भी कोई भी माल बिकता है, वो आपके पड़ोस में रहने वाला, किसी कॉलोनी में रहने वाला आदमी भी खरीद सकता है, और 24 घंटे खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि सूरज छिपने के बाद फिर दुकान बंद हो जाएगी, कभी भी खरीद सकता है, रात को 12 बजे 1 बजे भी खरीद, अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी भी खरीद सकता है, लंदन में रहने वाला कोई आदमी भी आपके लोकल मार्केट से, खान मार्केट से, चांदनी चौक से, या आपके लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कोई भी माल खरीद सकता है। इससे हमें उम्मीद है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा जंप मिलेगा, और दिल्ली के माल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिकने चालू होंगे।
गांधीनगर को ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। गांधीनगर का कपड़े का व्यापार जो है बहुत बड़ा है, और इसको अगर हम अच्छे तरीके से, इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर रिवैम्प करके पूरे मार्केट को डेवलप किया जाए तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिल्ली की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है। दिल्ली ऑलरेडी देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। तो दिल्ली की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत सारे नए नए बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे। दिल्ली के जो नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसको सबको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारे जॉब्स निकलेंगे। जो फेमस फूड हब्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनको मार्केट किया जाएगा। और फूड ट्रक पॉलिसी, जो खाने वाले ट्रक्स होते हैं, इसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि बड़े स्तर के ऊपर इनको प्रमोट किया जा सके। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है, जो एक आम आदमी। तो वित्त मंत्री सिसोदिया ने बजट पेश किया और इस बार के बजट का नाम रोजगार बजट दिया है, यानी रोजगार मुहैया कराना दिल्ली सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए बजट पेश किया। उस पर अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चर्चा खूब हो रही है योगी कैबिनेट की, तो योगी कैबिनेट में मंत्री राकेश सचान से हमारे संवाददाता प्रेम पाठक ने की खास बातचीत। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। आज पहली बैठक हुई, राकेश सचान जी हैं सर, आज ये बैठक हुई, 3 महीने राशन का जो है एक्सटेंड किया गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि जब हम चुनाव मैदान में थे तो जनता भी ये कहती थी कि विरोधी आते हैं और बोलते हैं कि चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गरीबों का ध्यान रखते हुए सरकार के खजाने से 3,270 करोड़ का बोझ सहते हुए इस योजना को 3 महीने बढ़ाया है, उनका आभार है, धन्यवाद है, और गरीबों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। चुनावी परिणामों में कैसे देखते हैं आप इसी योजना को, क्या रहा, लाभ मिला है सरकार को? देखिए, ये परंपरा है, चुनाव में गरीबों का साथ भाजपा के साथ रहा है, और जिस तरह से हम लोग गांव गए हैं तो इस योजना का भरपूर लाभ मिला है, क्योंकि हमारे देश में कहावत है, जिसका नमक खा उसकी हलाली करो। आज और कुछ क्या कुछ रहा इस कैबिनेट बैठक में, क्या कुछ आगे जब होगा तब होगा, अभी तो इतना जो फैसला। योगी जी ने आज क्या कुछ कहा आप लोग के साथ पहले, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक थी, और क्या कुछ बिंदुओं पे चर्चा हुई? देखिए, जो चर्चा हुई है, जो प्रस्ताव पास हुआ है सर्वसम्मत से, वो आपको बता दिया गया, गरीबों के लिए, गरीबों के हित में ये प्रस्ताव पास। देखिए, राकेश सचान है, कहना है साफ तौर पर कि आर्थिक बोझ जरूर सरकार के ऊपर बढ़ा है, लेकिन सरकार ने इस योजना को लागू रखा है, और उन विपक्षियों को जवाब दिया है जो सरकार पे ये आरोप लगाते थे कि चुनाव तक केवल ये योजना है और चुनाव के बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की थी। इस पर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कभी यही नीतीश कुमार भरी सदन में कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री साक्षात दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी के आगे झुकते थे, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कल भी कहा है और आज भी कहा है, तुसी ग्रेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं हैं। आपने कल कहा था कि बीजेपी से कभी हाथ मिलाएंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं गठबंधन करेंगे। कल आपने सर झुकाकर और माननीय प्रधानमंत्री को जो प्रणाम किया है, उससे बिहार एक बार फिर शर्मसार हुआ है। इधर महंगाई पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई है तो लोग लकड़ी पर ही खाना बनाएंगे। वहीं यूपी में योगी के सीएम शपथ पर लेकर राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो उन लोगों के सामने झुक ही गए थे, जरूर कोई मजबूरी रही होगी। उन्होंने कहा कि अधिक झुकते तो गिर ही जाते।
आपने लकड़ी जलाते हैं ना, गैस के दाम बढ़ गया है तो लकड़ी भी जलाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा, लकड़ी जला रहा, पत्ता झुक रहा है, गरीब आदमी चल रहा है, गरीब का ही इलाज हो रहा है। पेट्रोल डीजल भी रोज बढ़ रहा है। नीतीश जी का तो माननीय प्रधानमंत्री के गोड़े पर गिर गए, होगा कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चलता, सरकार में यहाँ वहाँ रहे हैं, कुछ होगा वहाँ के कुछ यहाँ के। तो आरजेडी जब नीतीश पर तंज कसेगी तो आखिर कैसे जदयू चुप रहेगी? आरजेडी के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसने पर जदयू के विधान परिषद सदस्य गुलाम रसूल ने कहा कि एहतराम और अदब हमारे समाज और संस्कृति की देन है। हमारे मुख्यमंत्री ने इस तरह का परिचय दिया है, अगर विपक्ष को इसमें भी कोई राजनीति लगती है तो उनके दिमाग पर हमें तरस आता है। इन लोगों का भारतीय सभ्यता और संस्कार से कोई रिश्ता ना हो, वो तहजीब और अदब और एहतराम को कोई भी नाम और शक्ल दे दे, वो उसके स्पेशलिस्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री से माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री ने जो मिलने का और अभिवादन का, उस अभिवादन में जो अपनी शाइस्तगी और एहतराम और अदब का परिचय दिया है, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। सियासत की खबरों से बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं क्राइम की। नोएडा फेस 3 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर 65 के ईस्टर्न हेरिटेज कंपनी से चोरी हुए माल को पुलिस ने बरामद किया है, साथ ही 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों से बरामद कपड़े की कीमत करीब 12,00,000 रुपए बताई जा रही है। कन्नौज के संयुक्त जिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे सीएमएस लापरवाही देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा मौजूद स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको लेकर जमकर फटकार लगाई। दरअसल वो जिस समय निरीक्षण कर रहे थे उसी दौरान एक बुजुर्ग व्हीलचेयर पर महिला बुजुर्ग को लेकर पहुंचा, जिस पर वो भड़क गए। इमरजेंसी वार्ड और स्टाफ को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे दोबारा लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। तो जिला अस्पताल की तस्वीरें जहां पर अव्यवस्था को देखकर सीएमएस नाराज हो गए। दरअसल जो व्हीलचेयर है उस पर एक बुजुर्ग महिला जो मरीज है वो जा रही थी और उसी दौरान बुजुर्ग था वो खींच रहा था, जबकि किसे करना चाहिए सब कुछ पता है। जरा देखिए बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और जो उनके परिजन है वो खींच रहे हैं। इसको देखने के बाद सीएमएस भड़क गए। उन्होंने स्टाफ पर कहा कि अगर ऐसी लापरवाही दोबारा होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रांची के बुंडू में आजसू नेता राजकिशोर कुशवाहा को सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर थे वो, इसी दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। घायल राजकिशोर कुशवाहा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वो खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही बुंडू डीएसपी अजय कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। पुलिस ने घटनास्थल से 7.65 mm का खोखा बरामद किया है। वहीं टेंडर विवाद में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। के ओवरब्रिज के आसपास जिसका टोली मेन रोड के पास में राजकिशोर कुशवाहा जी अपने घर से मॉर्निंग में अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और साथ में उनका अपना उनका डॉगी भी साथ में था। और अपने घर से लगभग 100 मीटर के आसपास जब वो गए होंगे तो झाड़ी में कुछ लोग घात लगाए छुपे हुए थे और उन पर हमला किया, और जिस पर वो काफ़ी दिलेरी से अपना बचाव करते हुए वो फिर अपने घर में वापस आए। और फिर जैसे ही हम लोग को पता चला, हम लोग वहाँ पहुँचे उनके घर पर पहुँच के और बुंडू इंस्पेक्टर साहब के साथ हम लोगों ने भेज के उनका समुचित इलाज कर।
चतरा में अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ साउथ डिवीजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वनपाल प्रभात कुमार और वन रक्षियों की संयुक्त टीम ने अवैध कोयला लदे 5-12 चक्का ट्रकों को जब्त किया है। साथ ही मौके से झारखंड और बिहार के अलग अलग थाना क्षेत्रों के 3 तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जांच के क्रम में संचालकों की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए थे वो सभी कागजात फर्जी है। उन्होंने कहा है कि गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त हुआ था कि कुछ अवैध ढंग से कोयले का व्यापार किया जा रहा है और बिना कागजात के कोयला जा रहा है। उसको हम लोग एक टीम गठित कर अपना वन विभाग ऑफिस के सामने चिकनाका पर जांच किया। जांच के दरमियान 5 ट्रक जो है कि नहीं बिना कागजात का, कुछ में कागजात थे जो फॉल्स कागजात थे, ओरिजिनल कागजात नहीं थे, और उसको हमने पकड़ करके जब्त किया है। उसमें कुछ तो अभियुक्त भाग गए और कुछ अभियुक्त को पकड़ करके जेल भेजने की कार्रवाई की। इसमें 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करने की मांग अब तेज होती जा रही है। पिछले कई दशकों से वहां पर फायरिंग रेंज हटाने की मांग की जा रही है। फायरिंग रेंज से 245 गांव के आदिवासी विस्थापित होंगे। वहीं फायरिंग रेंज के विरोध में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत भी अपनी खोई सियासत वापस लाना चाह रहे हैं। फायरिंग रेंज के विरोध में उन्होंने कहा है कि सरकार जानवरों से भी कम इंसानों की जिंदगी को आंकती है। एक तरफ सरकार वहीं पर जानवरों को संरक्षण करने की बात करती है तो दूसरी तरफ वहीं उसी के आसपास 245 आदिवासी गांव वालों को विस्थापन करने का काम कर रही है। दो सौ पैंतालीस गांव के लोग उससे विस्थापित हो जाएंगे। एक बहुत ही मानवीय और संवेदनशील मसला ये हो जाता है कि इस परियोजना से जिस जगह पे परियोजना अधिसूचित की गई है, जो क्षेत्र अधिसूचित की गई है, उसी क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर प्रोजेक्ट और उल्फ सेंचुरी के माध्यम से हाथी, बाघ और भेड़िए का संरक्षित करने का सरकार ने अधिसूचना जारी किया है, क्षेत्र अधिसूचित की है, और उसी क्षेत्र के 245 गांव के आदिवासियों को विस्थापित इससे होने की पूरी संभावना है। एटा जिले के मारहरा थाना इलाके के भूरी गवा में मेले में लड़ाई हो गई। थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि मेले में कल से ही दो पक्षों में लड़ाई हो रही थी जो सुबह तक जारी रही। तो ये पत्थर जो बिखरे पड़े हुए हैं, बताया जा रहा है कि दो पक्षों में लड़ाई हुई और उसके बाद एक दूसरे पर इन्हीं पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया गया। रात की लड़ाई मेले की ये सुबह तक जारी रही। पुलिस को खबर मिलने के बाद सुबह सुबह पुलिस पहुंची और उसके बाद कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई करे। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, आगे देखेंगे उत्तराखंड की अब तक की अहम खबरें। देवभूमि समाचार।